प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में भारी बरसात से राहत प्रदेशवासियों को मिल सकती है। हालांकि बारिश का क्रम रुक रुक कर लगातार जारी रहेगा, लेकिन भारी वर्षा से जरूर कुछ राहत मिलेगी। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने साझा की। उन्होंने कहा कि सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला में वर्षा का दौर लगातार बरकरार रहेगा। वहीं प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की आशंका बरकरार रहेगी, लेकिन ये तेज वर्षा कुछ समय के लिए ही दर्ज होने की संभावना है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में भारी बरसात से लोगों को जरूर राहत मिलेगी। देखिए, रेनफॉल आज तो कुछ कंटिन्यू करेगा, हालांकि कम हो जाएगा आज बारिश, और इसके बाद फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 3 से 4 दिन बारिश कम है, उसमें काफी कमी आएगी, और उसके बाद फिर 5-6 तारीख के आसपास कुछ रेनफॉल फिर बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगले 7 से 8 दिन की या एक वीक की, तो बहुत ज्यादा बारिश, तेज बारिश की संभावना तो नहीं है। हालांकि एक आध जगह पे तेज बारिश आ सकती है, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए, जैसे 10 घंटे 12 घंटे, इस तरह का स्पेल जरूर रह सकता है। और जहां तक मानसून की बात है, मानसून तो अभी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जो मानसून विड्रॉ करता है मिड सितंबर के आसपास विड्रॉ करता है, तो अभी जो है आज रात से या लेट नाइट से मानसून की जो रफ्तार थी, जो रेनफॉल एक्टिविटी थी, उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी 3 से 4 दिन, और फिर 5 तारीख के आसपास फिर थोड़ा बढ़ेगा रेनफॉल, फिर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल जो मानसून का जो एक्टिविटी है वो अब लाइट टू मॉडरेट ही रहेगी, बहुत ज्यादा तेज बारिश लगातार जैसे 48 आवर्स, 36 आवर्स, इस तरह की संभावना कम है। बीच बीच में देखिए लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल मैदानी इलाकों में रहेगी, ऊपर का संभावना कम है लाहौल स्पीति की नोर में, क्योंकि वहां पे पश्चिम विक्षोभ ज्यादा असर करता है। तो अभी नीचे जैसे लोअर मिड हिल्स हैं, जिसमें नीचे के जिले आते हैं सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला, ये इन एरियाज में ज्यादा संभावना बन रही है। ऊपर थोड़ी कम संभावना है, जैसे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, इन इलाकों में कम संभावना है।